ये फ्री फायर का न्यू गिल्ड, जहाँ पे आपको लेवल किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से आपको न्यू वाला टोकन मिलेगा, किस तरीके से आप लोग एक्टिविटी पॉइंट का बहुत सारा कलेक्ट कर पाओगे, किस तरीके से आप लोग स्टोर से सारा रिवॉर्ड ले पाओगे, किस तरीके से आपको नेम चेंज करना है, इस गिल के बारे में A to Z डिटेल से बताऊंगा, वो भी आसान तरीके में आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग इस गिल के बारे में समझना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को पूरा इन तक देखो, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, गिल्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे न्यू गिल्ड वाले सेक्शन में चले आओगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा, अगर आपके पास पुराने वाले गिल्ड टोकन है तो उसको यूज कर लो, क्योंकि अब से क्या होने वाला है, जो जितने भी रिवॉर्ड आएगा उसके लिए आपको न्यू गिल्ड वाला टोकन देना पड़ेगा। तो पुराने वाले गिल्ड टोकन के इवेंट कहां पे है कि आप लोग जाना, जाने के बाद ये गिल्ड वाले सेक्शन में जाना, जाने के बाद यहां पे बहुत सारा रिवॉर्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग जो भी रिवॉर्ड लेना चाहते हो एक्सचेंज करके आप लोग ले सकते हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर गोल्ड कॉइन ले लेना, क्योंकि गोल्ड कॉइन का बहुत सारा गेम के अंदर इवेंट आ रहा है तो आपका काम आ जाएगा। सो यहां पर मैं भी गोल्ड कॉइन यहां पर ले चुका हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको गिल्ड वाले इवेंट के सेक्शन में चले आना है। सो गाइस, यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एक एक करके मैं आपको सारे चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग वेट करो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहां पे देखिए, सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने गिल्ड में आइकन भी लगा सकते हो। आइकन को किस तरीके से लगाना है और चेंज किस तरीके से करना है उसके लिए यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, कुछ गिल्ड आइकन यहाँ पे शो करेगा खुला हुआ, और कुछ के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ यहाँ पे ताला लगा हुआ दिख रहा है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गिल्ड का लेवल अप करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने गिल्ड का लेवल 3 कर देते हो तो आपको ये वाला आइकन फ्री में मिल जाएगा, और अगर आप लोग अपने गिल्ड का लेवल 6 कर देते हो तो आपको ये वाला मिल जाएगा। फ्रेम में भी ऐसा ही है, फ्रेम में यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम डाला गया है, फ्रेम को भी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गिल्ड का लेवल अप करना पड़ेगा। अगर लेवल 6 कर देते हो तो आपको ये वाला फ्रेम मिल जाएगा। अब बात रही कि आप लोग अपने गिल्ड का लेवल किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आप लोग वेट करो, मैं आगे बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, गिल्ड का नेम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी नाम रखना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके रखो, 500 आपको डायमंड देना पड़ेगा, फिर आप लोग अपने गिल्ड का नेम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे गिल्ड प्रमोशन, यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है कि अगर आप लोग गिल्ड प्रमोट करते हो तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों से 3000 कॉइन लिया जाएगा, और आपका जो गिल्ड है 24 आवर्स के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर के सामने आपके गिल्ड यहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका करंट लोकेशन भी शो करेगा, अगर आपका करंट लोकेशन शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, मंडे का वेट करना है, मंडे के बाद यहाँ पे आना है मंडे के दिन, और यहाँ पर आप लोग चेंज भी कर सकते हो अपना लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ प्रोफाइल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा गया अप्रूवल मेथड, ये क्या चीज़ है, अगर आप लोग इसको ऑन रख देते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी बंदे आपके गिल्ड में आना चाहता है वो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ऑफ रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बंदा रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जा करके वो बंदा आपके गिल्ड में आएगा, या फिर आप लोग इन्वाइट करोगे तब जा करके वो बंदा आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे गिल्ड में भाई लेवल 50 वाला बंदा है, लेवल 40 वाला बंदा है, तो वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, आपको चाहिए मान के चलो 50 लेवल वाला प्लेयर, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई बीआर रैंकेड मोड में उसका हीरोइक भाई रैंक होना चाहिए या फिर गोल्ड होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आकर के आप लोग सेट कर सकते हो। सीएस का भी ऑप्शन दिया गया है कि भाई सीएस में कितने रैंक वाला प्लेयर आपको चाहिए, वो भी यहाँ पर आकर के सेट कर सकते हो। तो अप्रूवल मेथड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे के साइड में देखिए, यहाँ पे आपको गिल्ड टैग्स का वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी गिल्ड का टैग वगैरह लगा सकते हो, सीएस का लगा सकते हो, जो भी लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, कंफर्म कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए स्लोगन का ऑप्शन दिया गया है, जो भी स्लोगन आप लोग लगाना चाहते हो, जो भी अपने गिल्ड के बारे में लिखना चाहते हो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग नीचे के साइड में देखिए, यहाँ पे एक नोटिस वाला ऑप्शन दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा कि 2000 एक्टिविटी पॉइंट्स आपको हर वीक करना पड़ेगा वरना किक कर दिया जाएगा, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे आपके शो करेगा हर मेंबर को नोटिस वाले सेक्शन में, यहाँ पर शो करेगा कि गिल्ड में नोटिस ये रखा गया है कि भाई आपको 2000 एक्टिविटी पॉइंट करना पड़ेगा हर वीक वरना किक कर दिया जाएगा, सारे गिल्ड मेंबर को पता चल जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, तो नोटिस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे के साइड में देखिए, आपका जो पुराना वाला गिल्ड था उसका जितना भी गैलोरी था वो ये नीचे के साइड में शो करेगा, तो इससे आपको पता रहेगा कि भाई पुराने वाले गिल्ड में कितने गैलोरी थी, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं काफी ठीक ठाक है। सेटिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, प्रोफाइल में आइकन किस तरीके से चेंज करते हैं, नाम किस तरीके से चेंज करते हैं, अप्रूवल मेथड के बारे में समझ में आ गया होगा, नोटिस के बारे में समझ में आ गया होगा, तो सेटिंग के बारे में समझा दिया हूं। अब यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे आपका गिल्ड का आईडी भी शो करता है, ठीक है, तो इसको कॉपी करके अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो, वो आपके गिल्ड खोज लेगा जाकर के सर्च करके, फिर आपको रिक्वेस्ट भी भेज देगा।
इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखिए आपके गिल्ड में कितने मेंबर है वो यहाँ पर शो करेगा और कितना मेंबर को ऐड कर सकते हो वो भी यहाँ पे शो करेगा। नीचे के साइड में आपका करेंट लोकेशन भी शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि अगर आप लोग अपने गिल्ड का लेवल बढ़ाना चाहते हो तो वो किस तरीके से बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप लोग 13,700 एक्टिविटी पॉइंट कर लेते हो तो आपके लेवल 2 से लेवल 3 हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे 20,830 कर लिया हूं, तो मेरा लेवल क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि हर मंडे को यहाँ पर आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आकर के पढ़ भी सकते हो, टाइम भी लिखा गया कि 4 बजे बढ़ जाएगा मंडे को, तो यहाँ पे आकर के आपको एक्टिविटी पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके गिल्ड का लेवल बढ़ेगा। अब बात रही है एक्टिविटी पॉइंट क्या है और किस तरीके से बढ़ेगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखिए एक्टिविटी पॉइंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 तरीका दिया गया है, आप अपने खुद से भी कर सकते हो और गिल्ड के सारे मेंबर मिलकर के भी कर सकता है। खुद से यहाँ पे एक्टिविटी रिवॉर्ड में वाले सेक्शन में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए आप यहाँ पर इस वीक में कितना एक्टिविटी पॉइंट किए हो यहाँ पे शो कर रहा होगा, और हर वीक यहाँ पे आपको करना पड़ेगा और हर वीक यहाँ पर रिसेट भी हो जाएगा। जैसे कि मेरे इस वीक 2380 एक्टिविटी पॉइंट मैंने किया हूँ, ठीक है। अब 4 दिन के बाद यहाँ पे क्या होगा कि फिर से रिसेट हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हर वीक आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो कि आप लोग देखो यहाँ पर जो न्यू वाला टोकन है गिल्ड वाला वो यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे मैंने 1500 से ज्यादा एक्टिविटी पॉइंट कर लिया हूँ, तो यहाँ पर से मैं क्लेम कर सकता हूँ सारा रिवॉर्ड। तो ये देखो आप लोग एक बार में सारा चीज क्लेम हो चुका है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हर वीक यहाँ पे आपको मिशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट मिलेगा और हर वीक के बाद फिर 0 हो जाएगा, फिर से आपको बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर मिशन क्या रहने वाला है कि यहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ, सॉरी फ्रेंड नहीं, अपने गिल्ड मेंबर के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको 200 पर मैच आपको मिलने वाली एक्टिविटी पॉइंट। देख रहे हो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपने गिल्ड मेंबर के साथ खेला करो। और डेली मिशन में क्या रखा गया कि हर मैच पे यहाँ पे आपको 10 एक्टिविटी पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे आप लोग बढ़ा रहे हो, इसी तरीके से आपके गिल्ड मेंबर भी बढ़ा रहा होगा, तो सारा वाला जो ओवरव्यू है यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आकर के आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पे शो करेगा एक्टिविटी पॉइंट आपका इस वीक में कितना चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी आप लोग गिल्ड वाला न्यू वाला टोकन ले सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गिल्ड का लेवल आप किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पर शो करेगा कि भाई लेवल अप करने के लिए कितना एक्टिविटी पॉइंट चाहिए और एक्टिविटी पॉइंट बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पर आपको डेली मिशन दिया गया है, जैसे कि आपने गिल्ड मेंबर के साथ खेलोगे तो आपको 200 यहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर डेली मिशन दिया गया है, यहाँ पे आकर के जब क्लिक करोगे तो डेली मिशन यहाँ पर शो करेगा, जिसको अगर आप लोग कंप्लीट करते हो तो हर मिशन पर आपको 10 यहाँ पर एक्टिविटी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और आपका जितना भी गिल्ड मेंबर है उसका सारा यहाँ पर शो करेगा एक्टिविटी पॉइंट कि कितना हो रहा है, कितना लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर आकर के देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देखिए जब आप लोग मेंबर लिस्ट पर क्लिक करोगे और मैनेज मेंबर्स पर क्लिक करोगे तो यहां पर भी सारा चीज शो करेगा कि कौन सा बंदा इस वीक में कितना किया और टोटल उसका कितना यहां पे एक्टिविटी पॉइंट है। जैसे कि देखो यहां पे मैं 2380 किया हूं, टोटल मेरे इतना है, ये चीज यहां पे शो कर रहा है। जितने भी मेंबर यहां पे जितना भी कर रहा है एक्टिविटी पॉइंट, ये सारा चीज शो करेगा। कुछ बंदे यहां पे 0 दिख रहा होगा तो ये लोग यहां पे प्ले नहीं कर रहा है, इसके मतलब यहां पे इसका एक्टिविटी पॉइंट कम रहेगा, ठीक है। तो अपने गिल्ड मेंबर के साथ खेलिए और मिशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा डेली वाला, तब जाकर के आपको एक्टिविटी पॉइंट मिलेगा। और राइट साइड में यहां पे स्टेटस भी आपको दिख रहा होगा कि कितने टाइम पहले ये बंदा प्ले कर रहा था, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर राइट साइड में देखिए यहां पे आपको शो कर रहा होगा 3 डॉट, जब इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आएगा। अगर आप लोग इस मेंबर को फ्रेंड बनाना चाहते हो तो ऐड फ्रेंड पे आप लोग क्लिक कर सकते हो, और अगर आप लोग ऑनरशिप इसको देना चाहते हो तो इसको भी दे सकते हो। प्रमोट जब करोगे तो ये ऑफिसर बन जाएगा, और अगर आप लोग किक करोगे मतलब गिल्ड से निकालना चाहते हो तो यहां पर किक करके उसको निकाल सकते हो। तो इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहां पे आप लोग देखिए नीचे के साइड में 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप लोग अपने गिल्ड से डायरेक्टली निकल जाओगे, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में यहां पर शो करेगा कि भाई आपका यहां पर शो कर रहा है कि कौन कौन बंदा यहां पर रिक्वेस्ट आपके गिल्ड में भेजा है। अगर आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो वो बंदा गिल्ड में आ जाएगा, नहीं करोगे वो बंदा नहीं आएगा। तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा गिफ्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि ये पुराने वाला सिस्टम ही है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ये देखो जो बंदा यहाँ पे हीरोइक पे जाएगा उसके लिए यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, सारे मेंबर को मिलेगा। और जो बंदा यहाँ पे एयरड्रॉप परचेस करता है, मेंबरशिप परचेस करता है, मतलब वीकली मेंबरशिप, मंथली मेंबरशिप, तो उसके लिए यहाँ पर बॉक्स वगैरह मिलने वाली। चलो यहाँ पे मैं क्लेम करके दिखाता हूँ, उससे पहले देखो इस बॉक्स में क्या क्या रिवॉर्ड मिलने वाली है। यहाँ पे गोल्ड कॉइन आपको भर भर के मिलेगा भाई, बहुत सारे गोल्ड कॉइन मिलने वाली है। चलो यहाँ पे मैं क्लेम करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को न्यू वाला टोकन भी मिल चुका है, गिल्ड वाला टोकन और पेट फूड वगैरह भी मिला है, ठीक है। और यहाँ पर से भी मेरे को 2000 यहाँ पर गोल्ड कॉइन मिल चुका है। अब इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखिए जब आप लोग नोटिस वाला आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो करेगा कि आपके गिल्ड में कौन ऐसा बंदा है जो बीआर रैंकेड में सबसे ज्यादा रैंक उसका है, और सीएस में किसका सबसे ज्यादा रैंक है वो भी यहाँ पर शो करेगा। जिसका ज्यादा रैंक रहेगा गिल्ड में सबसे ज्यादा, वो यहाँ पर स्टार मेंबर में शो करने वाला है, आपका नोटिस ऊपर के साइड में शो करेगा। और जो भी बंदा यहाँ पर ग्रैंड प्राइज वगैरह ले रहा है वो भी यहाँ पर शो करता रहेगा। अगर आप लोग रिएक्ट करना चाहते हो कि भाई बंदा हीरोइक पे चला गया, उसको रिएक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
पर इमोजी वाले आइकन पर क्लिक करना है, जैसे कि एकदम हंसने वाला, तो जो भी करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग रिएक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको गिल्ड स्टोर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग बैकपैक की स्किन वगैरह देख सकते हो, बैग की स्किन देख सकते हो। बट यहाँ पे क्या है कि कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड में ताला लगा हुआ दिख रहा होगा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग अपने गिल्ड का लेवल बढ़ाते हो, लेवल 3 करते हो, तो ये बैग की स्किन ले पाओगे, अगर आप लोग लेवल 6 कर दोगे तो आप लोग ये बंडल वगैरह ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गिल्ड के लेवल बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखो, आपको लेवल बढ़ाने के बाद आपको ये टोकन लगेगा न्यू वाला, उसके बाद एक्सचेंज करके ये परमानेंट के लिए रिवॉर्ड ले सकते हो। बट जो इमोट है ना, ये आपको परमानेंट नहीं दिया जाएगा, 7 दिनों के लिए दिया जाएगा, हर वीक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 600 टोकन से एक्सचेंज करके आप लोग रिवॉर्ड ले सकते हो। और यहाँ पर रिवॉर्ड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखो, पहले आपको कस्टम कार्ड भी मिलता था गिल्ड में, अब यहाँ पर 200 जब टोकन दोगे तो आपको ये वाला कस्टम कार्ड मिलेगा। ये कस्टम कैसा है ना गाइस, कि अगर आप लोग अपने गिल्ड मेंबर के साथ प्ले करना चाहोगे तभी आप लोग प्ले कर पाओगे, वरना जो बाहर के बंदे उससे आप लोग प्ले नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा चिमकानी जैसा लगेगा, बट फिर भी ठीक ठाक है, आपको मिल रही है तो अपने फ्रेंड के साथ, गिल्ड मेंबर के साथ प्ले कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको पता होगा कि इस बार से आपको गिल्ड में भी बैज मिलने वाली है। भी बैज कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। लेकिन भी बैज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिल्ड वॉर आपको प्ले करना पड़ेगा, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कब स्टार्ट होने वाला है? वो होने वाला है 11 नवंबर को। जी हाँ, 11 नवंबर को होगा। और आपको हर सैटरडे को शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक गिल्ड वॉर प्ले करना पड़ेगा, और टॉप 15 में आना पड़ेगा, तब जा करके आपको भी बैज मिलेगा। आपको नहीं, आपको गिल्ड वाले सेक्शन में मिलेगा। तो आपको क्या करना है, गिल्ड वॉर के लिए आपको 11 नवंबर का वेट करना पड़ेगा, तब जा करके आप लोग सैटरडे को खेल पाओगे अपने मेंबर के साथ, गिल्ड मेंबर के साथ। फिर आप लोग अगर टॉप 15 में आओगे तब जा करके आपको ये सारा रिवॉर्ड मिलेगा। होप कि आपको मैं गिल्ड के बारे में सारा चीज बता चुका हूँ। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।